नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उधिकारी टेक्निकल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप का एक शानदार सेटिंग के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार सेटिंग आप लोगों को दिखाएंगे। इस सेटिंग को आप लोग जब एक बार यूज़ करोगे, उसके बाद से ये आप लोग हर टाइम यूज़ करोगे। जी हाँ दोस्तों, हर टाइम यूज़ करोगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोग जब ऑनलाइन रहते हो उस टाइम में आप लोग आपका दोस्तों के साथ चैटिंग करते हो, लेकिन दोस्तों ऑफलाइन होके भी आप अपना दोस्तों के साथ चैट कर सकते हो, वो पता नहीं कर पाएगा। वो आपसे ज़रूर पूछेगा आप ऑफलाइन होकर भी कैसे बात करते हो। तो देखिए, अभी देखिए मेरा ये दोनों ऑनलाइन पे है, ठीक है। ये देखिए मेरा दोनों फ़ोन ऑनलाइन पे है। तो अभी मैं व्हाट्सएप करते हैं इसको, देखिए इस फ़ोन से इस फ़ोन में मैं SMS करता हूँ। तो यहाँ पे टाइपिंग लिखा उठ रहा है, ऑनलाइन भी है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये भी ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन है ना दोस्तों। तो मैं इसको कुछ भेजते हैं, देखिए यहाँ पे आ चुका है, कुछ भी आता है। तो दोस्तों ऐसे तो आप लोग ऑनलाइन होकर भी बात कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन होकर भी कैसे आप बात करें, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड तक। इस वीडियो में पूरा आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे ऑफलाइन होकर भी आप बात कर सकते हो। वो समझ नहीं पाएगा कैसे आप बात करते हो। लास्ट सीन दिखाएगा यहाँ पर, जो लास्ट सीन दिखाएगा और आप बात कर रहे हो, है ना, कमाल का ट्रिक्स दोस्तों। तो कैसे करें इस वीडियो को लास्ट में मैं आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अधिकारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त गोपाल। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस चैनल में नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो मेरा आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। तो देखिए, मैं इस फोन से इस फोन में थोड़ा SMS करते हैं, कर दिया। तो करने के साथ साथ दोस्तों देखिए, यहां पे एक जो मैसेंजर जैसा है ना, ऐसा एक बबल आ रहा है देखिए। तो यहां से आप खुद उसको जवाब दे सकते हो। तो हाय लिखा है, आप हेलो कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट सीन दिखाई दे रहा है, लास्ट सीन। तो आप उसके साथ कुछ भी लिखिए, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से आप तुरंत बात कर सकते हो। देखिए, तो आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट सीन वही दिखाई दे रहा है, लास्ट सीन। तो देखिए, ये 8:52 है, तो यहाँ पे देखिए 8:53 हो चुका है। तो ऐसा करके आप यहाँ से लास्ट सीन दिखाएगा, आप ऑफलाइन हो चुके होंगे, तो आप ऑफलाइन में है लेकिन आप उसके साथ बात कर सकते हो। तो कैसे बात करेंगे, तो इसके लिए तो कुछ ज़रूरी है ना दोस्तों। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा। तो देखिए कौन सा एप्लीकेशन है, ये है वो एप्लीकेशन डायरेक्ट चैट। तो इस एप्लीकेशन का लिंक छोड़ दूंगा मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद आप लोगों को जितने बार परमिशन मांगेगा, दो बार परमिशन आप लोगों को दे देना है। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो एप्स है इसके ऊपर आप लोगों को जाना है। तो जाने के बाद यहाँ पे देखिए, मैसेंजर भी आप ऐसे कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, और भी आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन ये व्हाट्सएप में सबसे ज़्यादा अच्छे से होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये सारे को आप बंद कर दीजिएगा और ये व्हाट्सएप को ऑन करके रखिएगा। तो ये सब मैं बंद कर देते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब बंद कर दिया, ओनली मैं व्हाट्सएप को ऑन करके रखा हूँ। तो रखने के बाद अभी आप लोग SMS कीजिए। देखिए अभी तो मैं ऑफलाइन में हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी मैं इसको देखिए, यहाँ पे मैं SMS करते हैं, अभी SMS जाएगा यहाँ पे। देखिए अभी SMS आ चुका है। तो देखिए ये जो आइकॉन भी यहाँ पे उठ रहा है, और देखिए यहाँ पे 8:54 में आया है। तो यहाँ पे लास्ट सीन दिखाई दे रहा है, 8:52। तो देखिए मैं अभी ऑफलाइन में हूँ, तो भी आप चैट कर रहे हो। देखिए तुरंत रिप्लाई भी आ गया है, देखिए रिप्लाई भी तुरंत आ चुका है देखिए। लेकिन वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लास्ट सीन टुडे 8:52। तो ऐसे करके आप मजे कर सकते हो, आपसे तुरंत आपको फोन करके खुद पूछेगा,
जो आप कैसे ऐसे बात करते हो। लेकिन दोस्तों किसी को ये सेटिंग के बारे में मत बताना, आप लोग बताओगे तो क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हो। तो है ना कमाल की ट्रिक्स दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो एक लाइक कर देना एंड कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।